नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। और इसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है आपका 600 MCQ, और इसमें हम लोग सेट नंबर 26 आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 26। देखिए आपके सामने सेट नंबर 26 आ गया है। तो सेट नंबर 26 का जो बॉक्स में करंट अफेयर्स दिया गया है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो सेट नंबर 26 में सबसे पहले है बॉक्स में, चीन ने पाकिस्तान को सौंपा अत्याधुनिक 054 युद्धपोत। तो चीन ने पाकिस्तान को सौंपा अत्याधुनिक 054 युद्धपोत। तो चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054 युद्धपोत सौंपा है, और ये युद्धपोत उस समझौते के तहत सौंपा गया है जिसके तहत चीन चीन को पाकिस्तानी नौसेना के लिए 4 युद्धपोत बनाने हैं। चीन ने पाकिस्तान को एक विध्वंसक युद्धपोत दिया है। चीन की स्थानीय मीडिया के अनुसार इस युद्धपोत का निर्माण चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSSL ने किया है, और यह युद्धपोत आसानी से किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और 1 मिनट में कई राउंड फायरिंग करने वाला अत्याधुनिक तोप भी लगा हुआ है। अब हम सेट नंबर 26 का जो भी क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। तो सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी मार्टिन गप्टिल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्टिन गुप्टिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन है। ऑप्शन ए अनिल सिंह, ऑप्शन बी एतराम, ऑप्शन सी वेलियप्पा ए बी, ऑप्शन डी राहुल कुमार पाल। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेलियप्पा ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किस विमान हेतु दो फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिमुलेटर की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए मिराज, ऑप्शन बी जगुआर, ऑप्शन सी राफेल, ऑप्शन डी तेजस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगुआर। क्वेश्चन नंबर 5 है, धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए नवंबर का तीसरा सोमवार, ऑप्शन बी नवंबर का तीसरा बुधवार, ऑप्शन सी
नवंबर का तीसरा मंगलवार, ऑप्शन डी नवंबर का तीसरा रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर का तीसरा बुधवार को जो है विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित बेस्ट सेलिंग लेखक विल्बर स्मिथ का निधन हो गया, वह किस देश के थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर एट है, आरबीआई के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ का कुल कोष वर्तमान में कितना है? ऑप्शन ए 614 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 451 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 525 करोड़ रुपए। तो एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 614 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर नाइन है, किस राज्य सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर टेन है, जेनेट ब्रिटिन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो टेन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिसरप्टर हॉ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अजय छिब्बर, ऑप्शन बी सलमान अनीस सोज, ऑप्शन सी देवाशीष मुखर्जी, ऑप्शन डी आदिल हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवाशीष मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 82 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिमला। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 11.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.5%। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2020 हेतु किस राज्य के हरे काला हजप्पा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन शुरू की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, खबरों में रहा राज्य सैनिक बोर्ड की संख्या भारत में कितनी है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 34। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए
5000 करोड़, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4000 करोड़ रुपए। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 है, नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन LCRT किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 14 दिसंबर 2021, ऑप्शन बी 4 जनवरी 2022, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 2021, ऑप्शन डी 24 दिसंबर 2021। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी मसूद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय अग्निहोत्री, ऑप्शन बी PS मुबारक, ऑप्शन सी मोहन मुबारक, ऑप्शन डी अनिल सचदेवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी PS मुबारक। तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।